बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश अनुसार संविधान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को प्रेक्षागृह सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जहां शिविर का विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपाल जी व प्रधान न्यायाधीश बलराम दुबे एवं अपर समाहर्ता ज्योति कुमार, सदर एसडीओ प्रदीप कुमार झा एवं न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित तबकों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं इनके अंदर आने वाले लोगों को लाभान्वित करवाना है। इस शिविर में सभी न्यायिक पदाधिकारियों एवं जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग के अधिकारी एवं आम जनता शामिल हुए। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपाल जी ने कहा कि लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना होगा। अब सरकार के द्वारा लोगों को गर्भ से ही अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य पालन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलना सबका अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे को हानि पहुंचाए बिना बाई ओर चलना कर्तव्य भी बनता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाने के लिए गति लाना है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलने पर वो राहत महसूस करता है और आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि दूसरों को भी सहयोग एवं मदद करें ताकि अंतिम पायदान पर खड़े होने को इसका लाभ मिल सके। इस बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी प्रशासनिक पदाधिकारी आए हैं, हर विभाग के लोग आए हैं, लाभुक भी आए हैं और आम जनता भी आई है। तो सारे लोग जागरूक हों और जो लाभुक आए हैं उन्हें जानकारी हो और जिनका जो हक है उन्हें प्राप्त हो। आज बहुत सारे लोगों को उस तरह का बांड चल भी दिया गया है, आगे भी दिया जाता रहेगा। गर्भवती महिलाएं आई हैं उनका भी होगा, जितने लोग आए हैं जो भी लाभुक हैं सबको उनका हक मिले, यही प्रयास है लीगल सर्विस सोसाइटी का और आगे भी जारी रहेगा जब तक कि सब लोगों को लाभ मिले।